हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है, इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आदर्श प्रश्न पत्र है। इस आदर्श प्रश्न पत्र में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, जो आपके सिलेबस पर पूरी तरह से आधारित है। विषय आपका हिंदी, कक्षा 12वीं, मध्य प्रदेश, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट पर आधारित पूरा सिलेबस आपको मैं हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। और ब्लूप्रिंट पर आधारित ही आपकी क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी अपना जो अध्ययन है वो जारी रख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा मोस्ट मोस्ट प्रश्न जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। देखिए दोस्तों, आपका पहला जो क्वेश्चन है, हालाबाद के प्रवर्तक हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा। तो आपको एक बात याद रखनी, हालाबाद के जो प्रवर्तक है वो हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो कृतियां हैं, मतलब जो उनकी रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्या भूलू क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसके बाद में देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। आप ऑप्शन देखिए, मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण या मधुकलश। तो निशा निमंत्रण से आपका लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ आप याद रखेंगे 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो आत्मपरिचय जो कविता है, इसमें जो कवि है, जग जीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है। अगला देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो याद रखना इसमें अच्छे से आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है कि मैं निज जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आएगा। इसके बाद आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं, तो उन्होंने बोला था मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, निज रोदन में राग, इसमें विरोधाभास अलंकार है, याद रखिएगा। अगला है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, तो याद रखना दुनिया का बिल्कुल दीवाना मानता है, प्रेमी मानता है या फिर परवाना रक्षक मानता है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है, दुनिया का दीवाना मानते हैं, ठीक है। अगला है, आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्वप्नों का संसार लिए फिरता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है, तो दिन का पंथी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप करेंगे पंथी। किसका ध्यान करके चिड़ियों के पैरों में चंचलता आ जाती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपने बच्चों का, बच्चों की याद आने पर चिड़ियाँ क्या करती है, तो याद रखना तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे परिवार से बिछुड़ने के कारण। इसके बाद में मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं,